विरक्त मूलम गते स्वरूप। संसार को ज्ञानी लोग भी दो प्रकार से देखते हैं। कुछ ज्ञानी लोग संसार के बारे में कहते हैं कि संसार एक बहुत बड़ा माया जाल है, एक बंधन है, जो भी इसमें फंस जाता है उससे निकलना मुश्किल है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि संसार ही है मुक्ति का साधन, और संसार नहीं होता, हमारा आगमन नहीं होता, तो ये कथा नहीं होती, ये प्रवचन नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, फिर भक्ति नहीं होती और मोक्ष का कोई मार्ग नहीं होता। संसार में आकर ही सरे पद मिलते हैं, गौरव मिलते हैं, सम्मान सत्कार मिलता है। हमने जो भी पढ़ाई की है संसार में आए तो ही किए, और आपके द्वारा जो भी हमें यश मिलता है, प्यार मिलता है, संसार में आए हैं तो ही आप हमारों को प्रणाम कर रहे हैं, हमारी जयकार कर रहे हैं, आप सम्मान कर रहे हैं। मेरे बारे में अच्छा या बुरा जो भी आप कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ। जो संसार में नहीं मौजूद, जो आया ही नहीं है, उसके बारे में अच्छा क्या बुरा क्या, दोनों ही कोई विषय खत्म है, उसके बारे में विषय ही नहीं आएगा। इसलिए अच्छा भी संसार में आके होता है और बुरा भी यहीं आके होता है। लोग जिस रोड पर रोज 50 वर्षों से चल रहे हैं, उसी रोड पर लोग पहली बार में एक्सीडेंट में मर जाते हैं। एक आदमी को सालों निकल गए उसी रोड पर आते जाते, एक आदमी आज पहली बार ही यात्रा को निकला और फंस गया और मृत्यु के मुंह में चला गया। अब जो पहली बार निकला है उसके लिए वो रोड श्राप बन गया, और जो 50 साल से अप डाउन कर रहे हैं बंबई पुना, उनके लिए वो रोड ही जीवन दायिनी एक पथ बन गया, मार्ग बन गया। अब कैसे कहें कि ये भैया बुरा है कुछ, और कैसे कहें कि ये अच्छा है। इसलिए मैं दोनों विद्वानों के बीच में रह करके एक मंथन करके आपको कहना चाहता हूं, यस्य कणम नक्षणे रूप व्यापकम संसार हितम। संसार ना ही तो ऐसा है जिसे बहुत प्यार किया जाए, और ना संसार ऐसा है जिसे झुटलाया जाए। संसार कैसा है? संसार है विलक्षण, जिसके लक्षण बहुत हैं, और जब बहुत अंदर घुस जाओगे तो फिर इसमें कोई लक्षण नहीं है। गुणों से भरपूर संसार है और अवगुणों से भी भरपूर संसार है। इसलिए इसे गुणवान कहें तो भी ठीक सा नहीं लग रहा, और इसे बेकार कहें तो भी ठीक नहीं लग रहा। इसलिए संसार की गति विद्वानों ने कहा विलक्षण है, और इसलिए इसका कोई पार नहीं पा सका है संसार का। संसार का पार नहीं पा सका है। इधर मुंह करके चलाने से तो कोई फायदा है, शांति ठीक है, फिर बिल बढ़ेगा फालतू, कोई बात नहीं, बंद ही कर दो। साक्षातम किम प्रमाणम। देखो ये पंखा ही है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो काम बिगाड़ रहा है, और डायरेक्शन सही हो जाए तो दुख को सुख में बदल देगा। ये संसार का ये प्रमाण है। साक्षातम किम प्रमाणम, चप्पल पैर में रहती है, जहाँ कंकड़ पत्थर कांटे हैं वहाँ चप्पल का महत्व बढ़ जाता है, और बड़ी सुखदाई लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। और वही चप्पल जब चोरी हो जाए तो बड़ी पीड़ा देके जाती है, बड़ा दुख देके जाती है, गई कहीं नहीं है। आपका भोग चोरी के माध्यम से दूसरे के पास चला गया है, वो चप्पल को बेचेगा नहीं, वो पहनेगा। आपका भोग दूसरे के पास गया इसलिए आपको दुख हो गया उसको। चप्पल अपना काम कर रही है, पहनो कोई भी। तो जैसे हमारे पैर में चप्पल अपना काम करती है, उसका पहनने वाला बदल सकता है,
चप्पल के गुण धर्म नहीं बदलते, वैसे ही ये संसार वही हमारी एक साधना है, साधन है, सुविधा है। और सुविधा भोगने वालों को सुख दुख होता है साधन का। साधन न किसी को दुख देता है न किसी को सुख देता है। कार वही है, मंदिर ले जाती है और वही शराब के ठेके पर भी ले जाती है। दो कार अलग अलग नहीं होती, एक ही साधन से व्यक्ति अपने जीवन की साधना का निर्वाह करता है। तो इसलिए हम संसार को अच्छा कहें बुरा कहें, जैसे भी अपनी अपनी गति अपनी अपनी साधना है। संसार के बारे में एक सुंदर सा भजन आपने हमेशा सुना होगा, नहीं सुना है तो आज आप उस भजन को सुने और फिर आप समझें कि यह संसार क्या है। संसार के बारे में दो पहलू हैं। कोई समझे मंदिर संसार को, कोई समझे मंदिर और कोई समझे जेल, कोई समझे मंदिर और कोई समझे जेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर, इसे तू न खेल, इसे तू न खेल, चली जा रही। डॉक्टर बुरा नहीं है, हजारों लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं और डॉक्टर के हाथों से जिसका नुकसान हो जाए वो डॉक्टर को गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं। जो गाली दे रहे हैं उनके लिए भी वो बुरा नहीं था, पर हित नहीं हुआ इसलिए बुरा है। वैसा ही संसार है बिल्कुल हमारे प्रयोग में, हमारी औषधि संसार है, हमारी जीवन लीला संसार है। संसार में हवा है, पानी है, आकाश है, इससे हमारा जीवन चलता है। इसलिए आपके जीवन से जो भी जुड़ा है उसे संसार का दोष नहीं, आपके व्यवहार का दोष लगता है। चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे। खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर, इसे तू न खेल, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे।
मनुष्य जो चीज बनाता नई उसकी कितनी प्रशंसा होती है, और मनुष्य की कारीगरी में गलतियां हैं पर इस ब्रह्मांड रचयिता परमात्मा की कारीगरी में गलती नहीं। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी अकलमंदी से इसको चलाया, बड़ी अकलमंदी से इसको चलाया। ये मानव जो जीवन रूपी जो रेल है इसका निर्माण करने वाला इतना कुशल है कि उसके यहां गलती है ही नहीं, संशय ही नहीं बुद्धि में उसके लिए, क्योंकि वो परम पूर्ण है, पूर्णमिदं पूर्णमात् पूर्णमुदच्यते, और वो सर्वमयी है, पूरी सृष्टि का रचन करने वाला है। जहां की तहां उसने चंद्रमा सूर्य नक्षत्र ग्रह तारे, जहां पर न कोई सिलाई है न कोई नट है न कोई बोल्ट है, कैसी दुनिया को रचा है। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी अकलमंदी से इसको चलाया, बड़ी अकलमंदी से इसको चलाया, इसको चलाया चलाया इसको चलाया, इसको चलाया चलाया इसको चलाया। पढ़ता है इसमें, पढ़ता है इसमें कर्म कतेल चली जा रही, ये जीवन की चली जा रही है, ये जीवन की के नीचे कोई कट के मर जाए तो हाय हत्या हो जाती है, पर कोई एक मरता है हजारों को सुख दे रही है, यहां से वहां वहां से वहां। मानव के शरीर में आकर के कोई कुकर्म करे, हिंसा करे, अपराध करे और फिर संसार को दोष देवे, ये गलत है। कोई इससे आए कोई इससे जाए, 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 जीव है मुसाफिर जगत है सराय, जीव है मुसाफिर जगत है सराय। रेल में बैठने के लिए रेलवे स्टेशन, बस में बैठने के लिए बस स्टैंड, जितनी देर आपको वो प्यारा लगता है, जितनी उसकी जरूरत है, अगर इतनी ही जरूरत आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को, आपके दिल को, आपको, इस संसार की है, तो ये संसार किसी के लिए भी दुखदायी नहीं है, ये संसार उनके लिए सहयोगी है और मंदिर के समान है। जैसे रेलवे स्टेशन पर हम घर बनाकर रहना पसंद नहीं करते, वैसे ही संसार में भी रहना इतना जिद मत करो, मुसाफिर खाना है ये, और यहां प्रेम से रहो, समय आते ही चले जाएंगे, जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे, समय आते ही लौट कर फिर यहीं आ जाएंगे, इसलिए से स्वच्छ और प्रेम से इसके साथ अपने संबंध बनाए रखो। कोई इससे आए कोई इससे जाए, कोई इससे आए कोई इससे जाए।
है मुसाफिर, जगत है सराय, जीव है मुसाफिर, जगत है सराय, जगत है सराय, जगत है सराय, जगत है सराय, जगत है सराय। होता है इससे, होता है इससे जन्मों का मेल, जन्मों का मेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। खिलौना समझ कर इसे तू न खेल, खिलौना समझ कर इसे तू न खेल, खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर इसे तू न खेल, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है। यश सुखम संसार गति निरुद्धम, हमारे शंख ऋषि कहते हैं कि यह संसार सुख और दुख दोनों का मूल है। अगर यह संसार अच्छा नहीं रहता तो लोग यहां जीने के लिए क्यों दवा खाने में जाते थे, बड़े बड़े ऑपरेशन क्यों करवाते और नाक आंख में नलियां क्यों पड़वाते। संसार अच्छा लगता है इसलिए लोग जीना चाहते। और ये भगवत कथा, ये प्रवचन, संत महात्माओं की संगति, हरि भक्तों का मेल प्यार, ये संसार में अगर मिलता रहे तो संसार से अच्छा कोई भी धाम दुनिया में नहीं है। क्योंकि यहां पर बड़े बड़े सुंदर फूल हैं, इत्र हैं, सुगंध हैं, यहां पर तीर्थ हैं, सरोवर हैं, सरिताएं हैं, नदियां हैं, यहां पर गति करने के अनेक मार्ग हैं। स्वर्ग में चले जाओ गति का कोई मार्ग नहीं, सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। वैकुंठ में चले जाओ वहां हमेशा ही दरवाजे बंद रहते हैं। अब कितना भी बढ़िया महल हो अगर अंदर जाने के बाद में हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएं तो आदमी महल की जगह कहेगा मुझे तो भाई रोड पर पटक दो पर यहां से निकालो। तद ब्रह्मणम यस्य गति न दुर्भम, संसार इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ आदमी को आजादी है घूमने की, फिरने की, स्वतंत्र धर्म से रहने की, स्वतंत्र भक्ति करने की, अनुष्ठान करने की, जप करने की, और यहाँ कोई जोर दबस्ती नहीं है। कितनी पब्लिक रोड पर दौड़ रही है पर हम लोग किसी को थोड़ी पकड़ पकड़ के कथा में ला रहे हैं। स्वतंत्रता है, स्वर्ग में स्वतंत्रता नहीं है, वहां बंधन है। और भैया वैकुंठ में भी बंधन है, जन्म मरण से तो छूट जाओगे पर वैकुंठ के बंधन से बंध जाओगे। और इसीलिए महाराज जन्म जय देवी भागवत सुन रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मेरे पिता ने भागवत की कथा सुन करके वैकुंठ की प्राप्ति कर ली है, अब उनका कोई जन्म नहीं होगा। फिर भी उन्होंने कहा बंधन तो है वो, क्यों तद स्वतंत्र मूल, वहां स्वतंत्रता नहीं है, वहां आधीनता है, चाहे भले ही वो भगवान की क्यों न हो पर कहीं ना कहीं आदमी प्रेशर में है, जीव प्रेशर में है वहां भी। और भाई यहां कोई प्रेशर नहीं है, यहां खाली मानव अपनी खुद की मर्यादाएं, भगवान के द्वारा बनाई हुई जो मर्यादा संसार की, उनका पालन कर ले तो यहां पर कभी बंधन नहीं आएगा आपके ऊपर। बंधन जो भी बंधन है छोटे मोटे वो समय अनुसार छूटते जाते हैं। अभी ग्रस्त में है तो ग्रस्त का बंधन है, थोड़े समय के बाद अपने आप ही ग्रस्त का समय समाप्त हो जाएगा, उम्र 50 साल की हो जाएगी। शास्त्र कहता है 51 में आदमी को वानप्रस्थ में जाना है, तो
जब आप 51 वर्ष का सम्मान करेंगे और मर्यादा पालेंगे तो ये बंधन खुद ही ग्रस्त का छूट जाएगा, फिर आप वानप्रस्थ में चले जाएंगे। वानप्रस्थ में रहकर आप कुछ कमाई करेंगे, धर्म की, धन की, तप की, धीरे धीरे वो वानप्रस्थ का भी आपका बंधन कट जाएगा, आप संन्यास में चले जाएंगे। और बाद में जब संन्यास हो जाएगा तो सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे, आप स्वयं ब्रह्म का ही स्वरूप हो जाएंगे, फिर आप पर कोई आज्ञा नहीं करेगा, कोई ऑर्डर नहीं करेगा, फिर आप कौन हो जाएंगे, ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। ब्रह्म अस्मि सो अहम, अहम ब्रह्म अस्मि, ये मेरी भाषा नहीं है, ये शंकराचार्य जी की भाषा है। सोहम, जो तू है वही मैं हूं। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं, क्योंकि मैं निर्द्वंद हूं, निराकार हूं, और मैं अजन्मा हूं, अनंत हूं, मैं न क्लेशित हूं, मुझे कोई क्लेश नहीं है। क्लेश तो इस संसार और शरीर, बुद्धि और मन की वजह से मुझे भोगना पड़ रहा है। आत्मा निर्लेप नारायण का स्वरूप है, आत्मा को कोई क्लेश नहीं। आप देखो पेड़ों के ऊपर फल लगते हैं, आप रोज देख रहे हैं, बेल के ऊपर सब्जियां लगती हैं, आप देख रहे हैं, सब्जी जब लग रही होती है, फूल में से बाहर आ रही होती है, सब अच्छा है, और उसी में से किसी लौकी को कीड़ा लग जाता है, किसी को नहीं लगता है, किसी फल को कीड़ा खा गया, किसी को नहीं खा रहा है। एक ही पेड़ पर आधे फलों को कीड़े खा रहे हैं और आधे फल प्रकृति नहीं खा रही है, स्वच्छ निर्द्वंद। तो भाई संसार में आधों को हर जगह दुख है, आधों को कहीं भी सुख है। हमारी लाइफ में भी वही है, हम आधा जीवन अपना सुख में बिताते हैं, आधा जीवन दुख में बिताते हैं। क्यों? 12 घंटे रात रहती है और 12 घंटे बंटवारा हो गया दुख सुख का। हमेशा रात नहीं है, हमेशा दिन नहीं है, वैसे ही हमेशा कष्ट नहीं है, बंधन नहीं है, दुख नहीं है, ऐसे ही हमेशा सुख भी रह सकता नहीं है। आप कितने भी सुखी हैं, आपको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, फिर भी ऑफिस में जाना ये भी दुख है, काम करना भी एक दुख है, रजिस्टर मेंटेन करना दुख है, बार बार सीए के पास जा ऑडिट करना ये भी दुख ही है। किसी भी संसार के काम के प्रति आदमी अगर जुझारू है, नियमित है, वो दुख है। चाहे उसकी वो मर्यादा है, उसकी सभ्यता है, उसकी जरूरत है, फिर भी वो एक पहलू है दुख का। उससे कमा तो वो सुख रहा है, साधन कमा रहा है, फिर भी वो दुख है, क्योंकि नियमित संसार कर रहा है और उसे भय है घाटे का, नुकसान का। इसलिए समय पर ऑफिस जाना, समय पर काम करना, सब चीजें समय पर करना, कभी कथा छूट जाए चलेगा, यज्ञ छूट जाए चलेगा, भजन छूट जाए चलेगा, पर नौकरी छूट जाए तो नहीं चलेगा। नौकरी आदमी को गति दे रही है, उसकी संसारी सुविधाओं को पूरा कर रही है। कथा तो सात दिन ही रोटी पानी कपड़ा मकान देगी ना, मैं चला जाऊंगा फिर यहाँ रोटी कौन खिलाएगा तुमको, फिर कौन कमरे में सोने की जगह करेगा, सवाल ही नहीं। अब जितने भी भाई बहन यहाँ रुके कथा में आए हैं, अभी खाना पीना चाय पानी सोना जगना सब बराबर चल रहा है और बिना कमाए खाने को मिल रहा है, तो ये तो हो रहा है, पर ये कथा जाएगी तब ये नहीं होगा फिर। इसलिए नौकरी करना है, व्यापार करना है, खेती करना है, उद्योग करना है, करो, पर इतना नहीं करना है कि 365 दिन नौकरी करने में 7 दिन कथा के लिए ना निकलें। इतना ज्यादा करोगे तो फिर संसार में बंद जाओगे, फिर संसार से भागवत कथा ज्ञान सत्संग कोई तुम्हें फिर आजाद नहीं कर सकता, फिर ये संसार तुम्हारे लिए जेल बन जाएगा, बंधन कारक बन जाएगा। है राजा जनक गृहस्थी हैं और बड़े बड़े ब्रह्मचारी योगी उनके पास जा रहे ज्ञान लेने के लिए। भाई ग्रस्त में रहने के बाद भी उनसे ज्ञान क्यों ले रहे, वो तो संसारी है, पर वो मुक्त है संसार से। देह विदेह सर्वेश योगम, क्यों उसका दूसरा नाम विदेह भी है महाराज जी का। वो बंधन में बंधे नहीं शरीर के, क्योंकि मैंने पहले कह दिया निर्द्वंद है आत्मा, वो बंधन कारक नहीं है, पर मन बुद्धि चित्त और संस्कारों के कारण शरीर के अवयव उसे घेर लेते हैं और बंधन में जैसे रहती है, आजाद है वो। अगर वो बंधन में रहती तो हमारी इच्छा से ही हमें छोड़ती। कोई मरना चाहते हैं हम लोग, सवाल ही नहीं, फिर वो बंधन कारक नहीं है ना, आत्मा आजाद है, वो जब चाहती तब छोड़ के भाग जाती है शरीर को। है बंधन कारक नहीं है वो, आजाद है। क्यों? यस्य नारायणम,
नारायण का रूप है वो रामायण ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल उसको कहीं से एनर्जी पावर नहीं लेना पड़ता है आत्मा को क्योंकि वो अंश है परमात्मा का इसलिए वो पूर्ण चेतनी है और उसकी चेतना से ही आंखें देख रही हैं कान सुन रहे हैं जीवा रस ले रही है बाल हिल रहे हैं हाथ चल रहे हैं उंगलियां चल रही हैं आप सोच पा रहे हैं आपको पैर में चोट लगी आप एहसास कर पा रहे हैं दर्द को पीड़ा को आत्मा की चेतनता से पूरी बॉडी प्रोसेस में प्रोग्राम एक्टिविटी में लगी पड़ी है और जब वो चेतना चली जाती है तो सब लोग माथा पीट पीट के रोते हैं बीबी चूड़ी तोड़ रही होती है हाथों की माथे का सिंदूर पहुंच रही होती है पर फिर इस शरीर को कोई लेना देना नहीं बीबी के दुख से इसलिए सारे बंधन शरीर के हैं हम तो भैया निर्द्वंद हैं आजाद अगर हम शरीर हैं तो बंधन है अगर हम शरीर में हैं तो बंधन है अगर हम आत्मा ही हैं तो बंधन नहीं है इसीलिए हम कौन हैं ये बात का ज्ञान हो जाए किसी सदगुरु की वाणी सुनकर तो फिर कोई बंधन कोई सजा नहीं है संसार में ये संसार हमारे लिए धर्म मंदिर है पूजा मंदिर है यस्य धराम प्रपन्न योगम अरे मंदिर में तो वही 20x20 का मंदिर होता है तो उसमें 1.5x1.5 का भगवान होता है कितने भाई कितने का याद रख लो आप ये मंच कितना है ये मंच 16x70 का है और इस पर भगवान जगदम्बा कितने भाई कितने की बैठी देखा ये मंदिर का भगवान है और ये संसार में जो समाया हुआ भगवान है वो कैसा है इसीलिए मैंने कहा ये बुरा मत करो इसको ये संसार मंदिर है भगवान का इसमें भगवान से कोई जगह खाली नहीं है जहां भी हाथ रखो जहां भी पैर रखो जहां भी देखो जहां भी उंगली में मिट्टी लाओ हाँ परमात्मा ही परमात्मा है सब जगह अगर सब जगह परमात्मा नहीं होता तो फिर भक्त प्रहलाद के पुकारने से महल के खंभे से कैसे प्रकट हो जाता बोलिए द्रौपदी रो रही है मेरी लाज बचाओ कृष्ण मेरी लाज बचाओ केशव दुशासन साड़ी खींच रहा है द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र के मैदान हस्तनापुर दिल्ली से बड़ा दूर है 1100 किलोमीटर है द्वारिका दिल्ली से आवाज लगाई कृष्ण आ जाओ इतनी देर में कृष्ण कैसे आएगा 1100 किलोमीटर से कण कण में समाया हुआ है वो भगवान इसीलिए जैसे ही पुकारा वो हाजिर हो गए उन्हें कहीं आने और जाने की जरूरत पड़ती नहीं है नहीं हमारे आने जाने का काम तो शरीर का है हमारा तुम्हारा है भगवान हर जगह पहले से ही मौजूद है पर मुश्किल यह है कि तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे संस्कारों की वजह से परमात्मा में भी भेद पैदा हो गया है भगवान भी हमें मंदिर में मस्जिद में गुरुद्वारे में यहां वहां ही दिखता है फिर वो खेत खलिहान में घर में दुकान में नहीं दिखता है ऑफिस में बैठकर आदमी कितना गलत काम कर रहा है उसे भगवान नहीं दिख रहा और खोपड़ी पर नालायक ने लगा रखी तस्वीरें भगवान की अगरबत्ती लगा के बैठा है ऑफिस में फिर भी देखो दिख नहीं रहा उसे अगरबत्ती लगाई प्रणाम किया और सब मांगा मेरी रोजी रोटी अच्छी करो दिन भर चकाचक चले और उसके सामने बकवास कर रहा है झूठ बोल रहा है 1.5 फुट की दूरी है नालायक की है हाथ लंबा कर दिया तो मुंह फोड़ देंगे हनुमान जी फिर भी नहीं देख रहा है इतना अंधा हो गया है स्वार्थ में अब बताओ फिर इसे मंदिर में कैसे नहीं दिख फिर मस्जिद में कहां दिखेगा इसे मस्जिद तो घर से दूर है गुरुद्वारा तो घर से दूर है अरे ऑफिस में जो तस्वीर लगाई है वो इतनी नजदीक है जब वहीं उसे कोई दिख नहीं रहा और खैर स्वयं मानता है कि भगवान ये पूजा कर रहा है उसको इसलिए संसार तुम्हारे लिए क्या है बंधन कारक बन गया है कारण क्योंकि जिसकी तुम पूजा करते हो उसे तुम स्वीकार नहीं करते इसलिए संसार तुम्हारे लिए जेल है और भैया जिसकी पूजा करते हो अगर उसे स्वीकार भी करो तो ये संसार तुम्हारे लिए मंदिर है कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है महाराज क्योंकि भैया संसार में कहीं भी मूर्ति गढ़ने की जरूरत नहीं है भगवान की
जित देखूं तो तू ही तू ही। यहां वहां कोने कोने, यहां वहां कोने कोने, अरे प्रभु तू ही मशहूर है। राम कहो या रहीम कहो, अल्लाह कहो या गॉड कहो, जो कहना ही कहो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, असंख्य नाम है उसके, चार पांच नाम रहते तो हम लोग चपक लेते उनको, पर असंख्य है। जिन नामों को हम नहीं जानते वो भी भगवान के नाम है। यहां वहां कोने कोने और तू ही मशहूर है, निकट से भी निकट है तू, दूर से भी दूर है। कई लोग रेलवे की टिकट फाड़ रहे, कई लोग हवाई जहाज से जा रहे, कई लोग बस करके जा रहे, कई अपनी गाड़ी से जा रहे। बालाजी उन्हें भगवान यहां दिख ही नहीं रहा पुणे में है? और बालाजी से लोगों को देखो, वो साउथ से सीधे वृंदावन की ओर जा रहे हैं, उन्हें बालाजी में भगवान नहीं दिख रहा, वो वृंदावन में ढूंढ रहे। वृंदावन वाले बाबड़ों को देखो तो वो जा रहे हैं हरिद्वार गंगा जी की तरफ, उन्हें वृंदावन में भगवान नहीं दिख रहा। अब बताओ, अब है किधर वो नहीं समझ में आ रहा, किधर है वो नहीं दिख रहा। इसलिए जिनके पास वास्तविकता नहीं है वो भगवान को दूर मानते हैं, और जिनके पास वास्तविकता है वो भगवान को सबसे ज्यादा अपने करीब मानते हैं, सबसे ज्यादा अपने करीब मानते हैं। बीवी चाहे जितनी भी नजदीक रहती हो पति के, पत्नी के, पर फिर परमात्मा उनसे भी ज्यादा नजदीक रहता है दोनों के। याद रखो आप, भगवान उनसे भी ज्यादा नजदीक है। हाँ, क्योंकि आज तक सबके हृदय के ऑपरेशन किए जाए तो किसी के हृदय में कोई निकलने वाला नहीं है सिवाय मांस के, खून के, हड्डियों के। खाली बोलने चलने में हम खुश करते रहते हैं एक दूसरे को, मेरे दिल में तुम समाये हो, फाड़ के देख लो, तुम्हारी तस्वीर के सिवाय कुछ नहीं निकलेगा, केवल देख लो आप, फाड़ लो। मैं हनुमान रहता तो फाड़ के दिखा देता। अरे बाबा, हनुमान रहता तब तो फाड़ पाते ना तुझसे, तू है तो कैलाश, तुझसे क्यों फड़वाएंगे? हम पहले ही जानते हैं कि तू तमाकू का चेला है, हम फड़वाएंगे क्यों? और हम विश्वासी कहां करते तेरा, कि तेरे दिल में जो तू कह रहा है वो है? हम तो मानते ही नहीं कि तू जो कह रहा है वो है। हम तो किसी का भी आज तक माने नहीं कि हम किसी के दिल में समाए, क्योंकि दिल में पहले से जगह ले रखी है किसी और ने। हम तो दूसरे चौथे पांचवें नहीं, कौन से नंबर पे गुरु जी रहते, दिल में तो जन्म से भगवान बैठा रहता है, वो तो उसका घर है। अब उसके घर में दूसरा कैसे घुसेगा? भावना से आप किसी को भी मान लो अलग बात है, पर ये बात नहीं कि फाड़ के देख लो, तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं निकलेगा मेरे दिल में। तुम्हारे दिल में पैसा है, रुपया है, बैंक है, बैलेंस है, हिसाब है, किताब है, खाली अकेले गुरुजी थोड़ी घुसे पड़े तुम्हारे दिमाग में और दिल में। इतनी सारी चीजें साथ लेके घूम रहे हो तो फिर कैसे जमेगा मेरा तुम्हारा, ये बता? फिर भगवान का और भगत का जमेगा कैसे? यस्य केवलम यथा च पुण्यम भवतो यस्य ब्रह्मणम। जब भगत केवल्य हो जाता है, जब उसके जीवन में कोई शेष नहीं रहता, तब भगवान अपने आप ही उसके इर्द गिर्द चारों तरफ दिखते हैं। महाराज ये हेलोजन सफेद रंग का प्रकाश कर रही हैं, आप पांडाल में देखो। हाँ, पर चश्मा काला लगा लो तो यही हेलोजन का रंग तुम्हें काला काला दिखाई देने पड़ जाएगा। इसलिए जैसी विचार, जैसी दृष्टि, वैसी सोच, वैसे ही भगवान, वैसे ही गुरुजी, वैसी ये दुनिया हमें दिखाई पड़ती है। दुनिया बहुत अच्छी है, संसार बहुत अच्छा है, समाज बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति बहुत अच्छा है, पर हमारे व्यवहार के कारण दुनिया में कोई अच्छा है और कोई बुरा है। जो हमारे को मान ले, हमारे सब प्यार पूरा कर दे, बहुत अच्छा है। हमारे को ना माने, हमारी बात ना सुने, हमें प्यार ना देवे, हमारी इच्छा पूरी ना करे, तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। और इसीलिए दुनिया में सबके लिए सब अच्छे नहीं है। चार लोग उसको मानते हैं, दस लोग उसको मानते हैं, बीस उसको मानते हैं। इसलिए हजारों प्रकार के भगत, हजारों प्रकार के गुरुजी, हजारों प्रकार के भगवान सृष्टि में, क्योंकि कोई छोड़ना नहीं चाहता संसार के किसी पहलू को, सब जगह पहलू पकड़ के बैठे हैं। तो भैया सबके साथ में नहीं मिलेगा भगवान,
सबके साथ आनंद नहीं, सबके साथ में दीर्घता नहीं, सबके साथ में आयु नहीं, सबके साथ में आनंद नहीं, कहीं कुछ छोड़ना पड़ता है, कहीं कुछ मानना पड़ता है। तो आज से ऐसा मानो ये संसार बुरा नहीं, बुरे हम हैं, हमारी सोच है, हमारी कर्म है, हमारी व्यवस्था बुरी है, हमारा व्यवहार बुरा है। मैंने संसार के उदाहरण के लिए आपको कह दिया, ये परमात्मा का बसाया हुआ मंदिर है जिसमें परमात्मा स्वयं अपने भक्तों के साथ में प्रकट होते हैं और ये लीला करते हैं, इसलिए इसे बुरा न कहें, इसे बंधन न कहें। हमारे ऊपर है भगवान को कितना नजदीक मानना है और कितना दूर मानना है। जिसका जितना ज्ञान भगवान के प्रति बढ़ता जाता है, श्रद्धा बढ़ती जाती है, प्रेम बढ़ता जाता है, उतना ही वो रिश्ता नजदीक होता चला जाता है। आप बताओ, सगाई से पहले हम जानते हैं वो लड़के को, वो कहाँ रहता है, वो कौन है, वो क्या है, है? और जैसे हम लोग निकट हो रहे हैं, सगाई हो गई, फिर हम कितने निकट हो गए उसके। अगर रात को बात ना हो फोन पर सगाई के बाद लड़का लड़की की, तो नींद जैसी नहीं आती उनको। रात में बात हो जाए मोबाइल पे, थोड़ा सा राजी खुशी हो जाए, दिन में कहाँ गए थे, तुमने क्या किया था, आज क्या खाया था, तू कहाँ गई थी, तूने क्या किया था, ये तो शादी से पहले इतना तो बोलना चलना अनिवार्य है। और एक दूसरे के स्वभाव को, गुण को परखने पहचानने लग जाते हैं। ये थोड़ा निकट तो आओ भगवान के, तब तो वो मोबाइल पे बात करेगा, तुमसे पूछेगा तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। तो भैया, जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उससे हमें लेना देना नहीं, इसे नॉलेज नहीं है। भगवान से लेना देना जिनको है, वो सब उसके बारे में जानते हैं और जान जाते हैं। पर तुम्हें तो भैया धन दौलत और मकान दुकान से लेना देना है, पर तुम्हें भगवान के बारे में ज्ञान आएगा कहां से? तुम्हारे बेटा की पढ़ाई अच्छी हो जाए, बाकी सबकी पढ़ाई बिगड़ जाए, तुम्हारे बेटे की नौकरी अच्छी हो जाए, बाकी सब साले कुआं में चले जाएं, तुम्हारी बेटी ऊंचे घर में शादी करके चली जाए, बाकी सब मर जाएं, फिर तुम भगवान के बारे में क्या जानेंगे भाई? यहां वहां कोने कोने और तू ही मशहूर है, निकट से भी निकट है तो दूर से भी दूर है। तुझ में समाया हुआ और ये सकल जहान है। मेरे साथ मिलके गाओ, अरे तू कितना महान है, तू कितना महान है, कितना महान है प्रभु, कितना महान है, कितना महान है प्रभु, कितना महान है। तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, इतना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है। राम सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, ऊंची तेरी शान है, इतना महान है वो, कितना महान है, कितना महान है वो, कितना महान है, कितना महान है वो, कितना महान।
मालिक है सारी काया नाथ का, मालिक है सारी काया नाथ का। देखिए दो दो फ्लैट के चार चार प्लॉटों के मालिक बन के कितने इतरा रहे। तू ही एक मालिक है सारी काया नाथ का, मालिक है सारी काया नाथ का। फूलों भरी क्यारियों का, तारों भरी रात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों भरी रात का। फूल भरी क्यारियों का, तारों भरी रात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों भरी रात का। तुझ में समाया हुआ, तुझ में समाया हुआ सारा जहान है, सारा जहान है, ओ सारा जहान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से, राम सारी दुनिया से, प्रभु सारी दुनिया से, राम सारी दुनिया से। ऊंची तेरी शान है, ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। भगवान की महानता के बारे में दो शब्द और है मेरे पास, उन्हें भी मैं कह दूं, उसके बाद आप विश्वास करेंगे प्रभु की महिमा पर। देखिए आपने कचड़ों के ढेर देखे होंगे समाज में, पूरे शहर का पूरे गांव का कचड़ा कहीं जमा होता है, जहां कचड़े के बड़े बड़े ढेर लगे वहां पर बड़े बड़े कचड़े के ढेर में कीड़े रेंगते हैं, और वो कीड़े उस कचड़े में प्रवेश कर जाते हैं गंदगी में। नाली का कीड़ा, कचड़े का कीड़ा, उस कीड़े में भी भगवान समाया हुआ है, फिर कचड़े का भगवान को बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं है। कचड़े के कीड़े में भी भगवान है, और कचड़े में रह के भी भगवान कचड़ा नहीं हो रहा है, देखो। और हम इतने सुंदर संसार में होके भी कचड़े हो गए, ये शराबी हो गया, ये तमाकू हो गया, ये पापी हो गया, ये चोर हो गया, ये डाकू हो गया। अरे बाप रे, आए थे डाकू कोई, हम चोर आए थे क्या, हम शराब पीने वाले नहीं हो गए, आए थे काहे के लिए, और हो रहा है। अब संसार का दोष है कि ये तुम्हारा दोष है, बोलिए। यस्य व्यासं तदगते तजन्मं, देवी भागवत की कथा प्रारंभ हो गई है। अभी तक मैं भागवत का महत्व सुना रहा था थोड़ा सा समझाने के लिए। जो लोग परेशान होकर बोलते भाई ये संसार, संसार को लोग बहुत ही ऐसे जैसे मानो जैसे थूक, इतना गंदा मानते संसार को लोग। पर ये संसार भगवान ब्रह्मांड ब्रह्म की रचना, ये भगवान का स्वरूप है। ये अगर भगवान का स्वरूप ये नहीं है तो फिर ये मिट्टी पत्थरों की मूर्ति को तुम भगवान क्यों मान रहे हो, ये भी तो मिट्टी से ही बनी है ना संसार। राम बना दिया किसी ने तो राम है ना, नहीं तो खेत में पड़ी हुई मिट्टी थी, मिट्टी को लाए सांचे में ढाल दिया, मिट्टी राम बन गई, पूजा हो रही है। आप भी मिट्टी हैं, आपके अंग अच्छे हैं, रूप अच्छा है, लोग प्यार कर रहे हैं आपसे। बीमार हो जाइए एक बार, ज्यादा देर तक बीमार रहिए ना, फिर देखो कौन कौन आता है तुम्हारा प्यार लेने के लिए, प्यार देने के लिए। सुंदरता के ग्राहक हैं सब, जवानी के ग्राहक हैं सब, इसलिए तो बुढ़ापे में ऐसी तैसी हो रही है सबकी,
बहू देख नहीं सकती, बेटा सुन नहीं सकता, बेटा सुना नहीं सकता, धक्के खा रहे बुढ़ापे में हैं, दादी के नाम पे है 60 लाख का फ्लैट है, फिर भी रो रही है तड़प रही है, 60 लाख का फ्लैट गम खा के। प्यार नहीं तो दुनिया बेकार, सेवा नहीं तो बेकार, व्यवहार नहीं तो सब बेकार। इसलिए पक्की और सच्ची संपत्ति व्यक्ति के संस्कार हैं, और उनके लिए मैं व्यासपीठ से प्रयत्न कर रहा हूं, पूरे देश को, पूरे विश्व को, आप सबको, कि आप ऐसे हो जाएं सुन के कथा प्रवचन को कि आप इस संसार को सफल कर लें और इसे मंदिर की तरह समझकर अपना उद्धार कर लें, क्योंकि इसमें विराजमान हर शक्ति भगवान का रूप है, पुतला है, फिर हम क्यों ईर्ष्या करें, घृणा करें किसी से।